नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। विश्व कप 2019 के शुरू होने में बस अब चंद महीनों का समय रह गया है। ऐसे में भारत की स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं भारत के वो 15 खिलाड़ी कौन से हैं जो विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये सारी चीज़ें इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय टीम की सिचुएशन है, अगर पिछले एक साल की बात करें, पिछले 18 महीनों की अगर बात करें, डेढ़ साल की बात कर लेते हैं, तो पिछले 18 महीनों में भारतीय टीम ने जितनी भी सेना कंट्रीज यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा किया है, उसमें से भारत ने 3 जगह सीरीज अपने नाम की है। फरवरी में जिस तरह से भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा, उसके बाद ये हर कोई कहने लगा था कि भारतीय टीम इस बार विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार है और इंग्लैंड के साथ भारतीय टीम एक बड़ी टीमों में से एक है। लेकिन इसके बावजूद जो हमने घर में देखा, जिस तरह से कंगारुओं ने भारतीय टीम के कॉन्फिडेंस को हिलाया है, जिस तरह से कंगारुओं ने भारतीय टीम के परखच्चे उड़ाए हैं, ये बात तय हो गई है कि कल जो फिरोज शाह कोटला में जो मैच होने वाला है, ये बहुत अहम हो गया है। हालांकि इस सीरीज़ को हम 5-0 से मान रहे थे, क्योंकि भारत ने अपनी फुल फ्लेश टीम उतारी है इस पूरे टूर्नामेंट में, और जिस तरह से यहाँ पर टीम जो है वो चल रही है, ये बात तो तय है कि भारत को अब बदलाव की ज़रूरत है। भारतीय टीम फिलहाल अपने बैटिंग ऑर्डर पर डिपेंडेंट है, अपने टॉप ऑर्डर पर डिपेंडेंट है, और टॉप ऑर्डर ही ये डिसाइड करेगा कि आखिर किस तरफ बाजी पलटेगी और कौन से खिलाड़ी विश्व कप से बाहर हो सकते हैं, किन्हें जगह मिलेगी। फिलहाल अगर आप देखें तो भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर, स्पेशली नंबर चार और नंबर छः पर जो भारत की सिचुएशन है, या यूँ कहें कि भारत का जो डिमेरिट है, वो ये है कि पिछले डेढ़ साल में भारतीय टीम करीब 10 बल्लेबाजों को ट्राई कर चुकी है नंबर चार पर और 8 बल्लेबाजों को ट्राई कर चुकी है नंबर छः पर, यानी कि ये 18 खिलाड़ी जो हैं यहाँ पर 4 और 6 नंबर पर ट्राई हो चुके हैं। और अब भारत को ये ज़रूरी है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ जाना पड़ेगा। कप्तान विराट कोहली की जिद और यहाँ पर BCCI के चयनकर्ताओं का जो एक ही तरफ जो फ्लो जा रहा है, उस फ्लो को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अम्बती रायडू लगातार फ्लॉप होते चले जा रहे हैं। 2015 की कहानी आपको हम कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर बता दें कि 2015 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने लगभग हर टीम को बुरी तरह से ख़त्म किया, लेकिन उसके बाद सेमीफाइनल में आप ऑस्ट्रेलिया के सामने फंसे, एक बड़ा टारगेट मिला और आपकी टीम इंस्टेंट कोलैप्स का शिकार हो गई। इसके बाद अगर आप देखें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, ये शायद भारतीय टीम को काफ़ी ज़्यादा चुभती होगी, क्योंकि हम फाइनल पाकिस्तान से हारे थे और वो फाइनल शायद भारतीय टीम डिजर्व नहीं करती थी हारना, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ और भारतीय टीम बैकफुट पर आ गई। तो इस हिसाब से भारत को चोकर्स का टैग देना कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 2011 विश्व कप के बाद से भारतीय टीम ने कुछ ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है जिसको हम ये कहते हैं कि नहीं, ये टीम डिजर्व करती है वर्ल्ड कप जीतना। हमेशा से ही भारतीय टीम जो है बेहतर टीम रही है, लेकिन कभी ना कभी अब जो मुद्दे हैं, जो भारतीय टीम के लिए जो मेन चीज़ जो निकल कर सामने आई है, वो ये है कि अब भारत को अपने उस बल्लेबाजी क्रम को डिसाइड करना है जो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी, जो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को आगे लेकर जाएगी। नंबर 4 और नंबर 6 पर फिलहाल ऋषभ पंत और अम्बती रायडू बुरी तरह से फ्लॉप है। हो सकता है कि भारतीय टीम अपने सीनियर खिलाड़ियों को वापस लेकर आए। सीनियर खिलाड़ी ये भी हो सकता है कि सुरेश रैना हो, अजिंक्य रहाणे हो, युवराज सिंह हो, और या फिर मनीष पांडे की तरफ भी भारतीय टीम देखे, क्योंकि अगर आपको एक बेहतर फिनिशर चाहिए तो आपको अपनी टीम को बिल्ड करना पड़ेगा, जो अब समय नहीं बचा है, क्योंकि कल सिर्फ भारत का आखिरी इंटरनेशनल मैच है विश्व कप से पहले, तो उस मैच में ये खिलाड़ी जो है ये बाहर है। अब इनके लिए सिर्फ एक माध्यम बचता है, वो है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। 2019 की शुरुआत हो रही है 23 मार्च से। इस शुरुआत के बाद, पहले चरण के बाद ही भारतीय टीम की जो वो टीम है, वर्ल्ड कप की जो टीम है, वो डिसाइड होगी। यानी कि मौके हैं सिर्फ 6-8 मैचेस के। इन 6-8 मैचेस में अगर जो जिसने बाजी मार दी वो सिकंदर बन गए। अब भारत के पास जो विकल्प हैं वो ये हैं कि अब आप बाहर से किस तरह से खिलाड़ियों को लाते हैं। आपके पास ऑलराउंडर के विकल्प खुल चुके हैं, विजय शंकर ने बड़ा अच्छा किया है, हार्दिक पांड्या ने बड़ा अच्छा किया है, रविंद्र जडेजा, यानी कि आप इन 3 खिलाड़ियों में से 2 ऑलराउंडर आप टीम में लेकर जाएंगे। अगर आपके 2 ऑलराउंडर फिक्स होते हैं तो फिर आपको ये तय करना है कि अगर हार्दिक पांड्या फिट होते हैं तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा या विजय शंकर में से कोई एक। लेकिन आपके बैटिंग ऑर्डर में यहाँ पर अम्बती रायडू का बाहर जाना ज़रूरी है। अमूमन होता क्या है कि हम जब डिसाइड करते हैं किसी खिलाड़ी का, जब एनालाइज़ करते हैं, उसके रिकॉर्ड्स को एनालाइज़ करते हैं, तो हम देखते हैं एवरेज, लेकिन हम ये कभी नहीं देखते कि किन सिचुएशन में, किन परिस्थितियों में इन्होंने रन बनाए हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 30-40 बनाने वाला नंबर 4 का खिलाड़ी चाहिए या फिर 100-150 बनाने वाला नंबर 4 का खिलाड़ी चाहिए। अब वहाँ पर अब जब आपको डिसाइड होगा तो फिर आपको शायद बेहतर पता चल पाएगा, बेहतर विकल्प आप तलाश पाएंगे, तब शायद भारतीय टीम एक बेहतर तरीके से उजागर हो पाएगी।
अब देखना होगा कि इन खिलाड़ियों की जगह क्या युवराज सिंह, सुरेश रैना, मनीष पांडे और अजिंक्य रहाणे को टीम में मौका मिलता है या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप क्या चाहते हैं, किस तरह की टीम होनी चाहिए, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताएं। और नेक्स्ट नाइट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।